अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खुलेर काशिफ रूहानी जत्री यूट्यूब चैनल रूहानी का टीवी की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के डेली हॉरोस्कोप लेके हाजिर हुए हैं। आज 2 मार्च 2022 है, बुध का दिन है। आज का मुफरद अदद जो है वो 2 बन रहा है। आज का इस्मे आज़म जो है वो या वासी अल्लाह का नाम है। 137 इसके अदाद हैं, इसका भी मुफरद अदद 2 है। किसी भी नमाज के बाद या किसी भी वक्त 137 बार जो है इस अल्लाह के नाम का जिक्र जो है वो करें, वलाखा सात दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ। आपके लिए आज का सदका जो है वो शक्कर का सदका है। इसके अलावा सब्जियों का सदका भी आप ज़रूरतमंदों में सब्जियां और शक्कर जो है वो तकसीम कर सकते हैं। आज के दिन जो है जायज़ा लेते हैं आपके लकी नंबर्स का। लकी नंबर्स आपके जो है इस आज के दिन के लिए 2 और 4 बन रहे हैं, एरी से लेकर 22 तक के लिए। जायज़ा लेते हैं आपके हॉरोस्कोप का। एरिस, जिन कामों की जिम्मेदारी आपने ली थी आज वो आप भरपूर तवज्जो के साथ कामयाबी के साथ वो तमाम काम जो है वो निपटाने में कामयाब हो जाएंगे। टॉरस, आज के दिन जो अफराद नौकरी की तलाश में करता है या नौकरी में तरक्की के लिए ख्वाह हैं या सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं, उनकी आज उनको तलाश ख़त्म हो सकती है। आज कोई कामयाबी, कोई अच्छी खबर मिलती हुई नज़र आती है। जेमिनाई, आज के दिन किसी करीबी शहर का, किसी करीबी घर से बाहर किसी दूर किसी इलाके में जाने का इत्तेफाक हो सकता है, सफ़र का मौका मिल सकता है। और इसके अलावा आज के दिन बहुत सारे अच्छे लोगों से मुलाकात होने का इम्कान है जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। कैंसर, आज के दिन प्रोफेशनल करियर में कोई अहम तब्दीली, कोई बेहतरी आपको भरपूर फ़ायदा देती हुई नज़र आती है और आप आज के दिन जो है वो अपने काम को, करियर को, प्रोफेशनल करियर को बेहतर करने के लिए बड़ी एफर्ट्स करेंगे। ल्यू वालों के लिए आज शरीक हाथ से किसी किस्म की इख्तलाफी गुफ्तगु जो है वो बात का बतंगड़ बना सकती है। आपको आज अपने जज्बात और ज़ुबान पर कंट्रोल करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, उससे आप बहुत सारे तनाज़ात से अपने आप को महफूज रख सकेंगे। विर्गो में आज इज़्ज़त शोहरत दौलत और किस्मत आप पे मेहरबान हो रही है। आज आमदन में इजाफा होने का भरपूर इम्कान है। अफसरान और साथियों का तावन जो है वो आपको हासिल रहेगा। लिब्रा वालों के लिए ये कि आज के दिन शादी रिश्ते के मामलों में पेशरफ्त हो सकती है, निकाह मंगनी के मामलों में बेहतरी आ सकती है। कोई मामला प्रोसीजर में चल रहा था, प्रोसेस में चल रहा था, तो उसमें कोई अच्छी डेवलपमेंट जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये कि आज के दिन किसी के भी मामलों में मुदाखलत करना जो है वो मुश्किल का बायस बन सकता है। आज आपको अपने घर वालों की तरफ से खसूसी तौर पर चाहत और मोहब्बत और तावन जो है वो हासिल रहेगा। आज के दिन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेहतर दिन है। सेक्रेटेरियस वालों के लिए कि आज का अपने आपके अंदर का कोई टैलेंट है, आपके अंदर का कोई फ़न है, आपके अंदर की एक कोई ना कोई आप कोई ऐसी खूबी है जो अभी तक जाहिर नहीं हुई थी, वो आज जाहिर होगी। लोगों को आपके टैलेंट का, आपके अंदर की खूबी का, आपके टैलेंट का बेहतर तौर पर अंदाज़ा हो सकेगा और लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी शख्सियत में एतमाद पैदा होगा। कैप्रिकॉन, आज के दिन आपको बहुत दिन को बहुत तरतीब से और बहुत टाइम टेबल के मुताबिक गुजारेंगे, अपने कामों को बहुत सलीके के साथ करेंगे और किसी भी दोस्त के साथ या किसी करीबी साथी के साथ घरेलू मामलों पर राजदारी की गुफ्तगू करना जो है वो परेशान कुन आपके लिए साबित हो सकता है। एक्वेरियस, आज के दिन घर और बच्चों को टाइम देने का मौका मिलेगा। वो जो शिकायत या नाराज़गी घर के मामलों में कुछ चल रही थी, वक्त ना देने की वजह से और या किसी वजह से इग्नोर करने की वजह से घर वालों को उसका आज आप जो है वो अजाला करने में कामयाब होंगे। फैमिली, आज का दिन आपके लिए फैमिली का दिन जो है वो साबित होगा। पाइसिस वालों के लिए कि जो लोग पाइसिस वाले सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं उनको आज बेहतर रिजल्ट्स मिलते हुए नजर आते हैं। ऑनलाइन बिजनेस का कोई अच्छा आइडिया आपका क्लिक हो सकता है, आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का कोई बेनिफिट, कोई वीडियो वायरल हो सकती है, कोई बेहतरी आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए सोशल मीडिया का यूज़ जो है बहुत बहुत फ़ायदा देता हुआ नज़र आता है। यह तो एक मुख्तसर सा जायज़ा था। अब आपको बताते हैं कि आज 2 मार्च है, आज शर्फ़ मरीख का वक्त है। साल में एक बार आता है ये वक्त। सियारा शम्स अपनी बेहतरीन और आला तरीन पावर्स के ऊपर है। 2 मार्च को आज 10:50 पर पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, इस्लामाबाद के मुताबिक ये टाइम शुरू होगा। और कल 3 मार्च को शाम को 7:02 पर यानी 19:02 पर यह टाइम ख़त्म हो जाएगा। इस दौरान जो है वो शर्फ़ मरीख की सातें जो आ रही हैं उनके अंदर आप लोहे शर्फ़ मरीख तैयार कर सकते हैं। शर्फ़ मरीख की सातें कौन सी आ रही हैं? आज 2 तारीख को
पाँचवीं साथ आज शर्फ मरीक की है, बारहवीं साथ शर्फ मरीक की है और 19वीं साथ जो है वो शर्फ मरीक की है आज 2 मार्च को। 3 मार्च को जो है दूसरी साथ जो है शर्फ मरीक की है, 9वीं साथ भी शर्फ मरीक की है और इसके बाद 16वीं साथ भी जो है वो शर्फ मरीक की आ रही है। तो आप इन इन सातों में जो है वो शर्फ मरीक का अमल तैयार कर सकते हैं। शर्फ मरीक जो है सेहत और तंदुरुस्ती के लिए मर्दाना अमराज मखसूसा और जनाना अमराज मखसूसा, इसके अलावा औलाद के मामलों में कोई रुकावट है उसके खात्मे के लिए और बंदिश के खात्मे के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, कुशादगी रिस्क के लिए, इसके अलावा आप ओवरऑल जो बंदिश शादी की किसी किस्म के मंगल योग की बंदिश है उसके खात्मे के लिए, हर काम में आसानी के लिए, सहर जादू बंदिश नहूसत गर्दिश के खात्मे के लिए लोहे शर्फ मरीक जो है बहुत बेहतरीन अमल है। आप ये हमारे से रब्ता करके बनवा सकते हैं दिए हुए नंबर्स पे। इसके अलावा अपने बुध सियारी की लोहे मुश्तरी या आप अपना लकी स्टोन हासिल करना चाहते हैं या जायचा इस्तखारा बनवाना चाहते हैं तो आप कंसल्टेंसी के लिए हमारे नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। दुआ करूँगा कि आज का दिन अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरी और कामयाबी का बायस बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।